कि हम वापस आ जाए और मेरा सर आपके सामने झुक जाए अगर आप ऐसा मॉर्गेज कर रहे हैं। भाभी मेरी इज्जत नफ्स तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से मैं अलग रहने के खिलाफ था। आप ऐसा करते हैं कि ये अपार्टमेंट गिरवी रख देते। जबरदस्ती है, इन साथ होते तो इल्हाम की भी प्रॉपर केयर होती। मैं आपसे हार नहीं मानूंगी। ड्रामा सीरियल एहसान फरामोश की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रही है। आने वाले एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा कि फलक नवल के पास जाती है। देखो नवल, अब मैं फैसला कर चुकी हूँ, मैं अब अपना फैसला नहीं बदलूंगी। वो पूछेगी तुम कैसा फैसला कर चुकी हो। देखो नवल, मैं अब कबीर के साथ नहीं रहना चाहती, उस जैसा इंसान जो बहुत ही ज्यादा जुल्म करने वाला है और पाबंदियां लगाने वाला है। अगर कोई बाहर भी जाए तो वो शक की नज़र से देखे। मैं ऐसे शख्स के साथ अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार पाऊंगी। मैं अब उसके साथ नहीं रहना चाहती, मैं उससे तलाक लेना चाहती हूँ। वो ये बात सुनकर परेशान हो जाएगी। तुम्हें पता भी है तुम क्या बात करी हो और क्या करने जा रही हो। वो कहेगी हाँ जी मुझे पता है मैं क्या कह रही हूँ और क्या करने जा रही हूँ। इसके बाद वो उसको बहुत ज़्यादा समझाएगी, अपना घर ही सबसे अच्छा होता है। अच्छा इसका मतलब है कि आप मुझे इस घर में रहने की इजाज़त नहीं दे रही, मतलब आप ये चाह रही हैं कि मैं आपके सर पर बोझ बनकर रहूँ। मैं अलादा कहीं पर घर लेकर रह लूँगी लेकिन मैं अब कबीर के साथ नहीं रहूँगी। फलक मेरे कहने का मकसद ये नहीं था। दूसरी तरफ शेराजी के बिजनेस में इंटरफेरेंस से कबीर इतना ज़्यादा नुकसान उठाएगा और एक टाइम आएगा जब कबीर बहुत ज़्यादा गरीब हो जाएगा और जब ये गरीब हो जाएगा तो फलक के लिए इसको छोड़ना और ज़्यादा आसान हो जाएगा। मिलते हैं आपके साथ एक नई वीडियो में।